बहुत स्वागत है। आप जैसे लिविंग लेजेंड हमको हमारे पास आए हैं, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको अपना सबसे पसंदीदा गाना कौन सा लगा आज तक? वैसे तो सारे गाने आपके अच्छे हैं, आपका सबसे? मेरे जो भी गाने हैं ना, मेरे लिए मेरे बच्चे के बराबर हैं। और जिस तरह औलाद सभी बच्चे अपने अच्छे लगते हैं, वैसे मेरी मेहनत का फल है गाने। मेरे गाने जो हैं वो मेरी अपनी जागीर है, अपना सब कुछ है। गाने तो सभी अच्छे हैं, लेकिन क्या है, हर आदमी की जैसे चॉइस होती है, तो मेरी भी चॉइस है। मैं अपने 3-4 गाने ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, जैसे दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना है, अमृत फिल्म का गाना। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। और फिर एक है, एक अंधेरा लाख सितारे, आखिर क्यों फिल्म का। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, मेरी वल्नरेबिलिटीज सबसे बड़ी सौगात है। जीवन नादा है जो जीवन से हारे। और एक है नगीना का गाना, आजकल याद कुछ और रहता नहीं। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए, जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद। मेरी वल्नरेबिलिटीज, तो ये सब गाने हैं जो आए मेरे दोस्त लौट के आजा, स्वर का। तो ये सब गाने मुझे दर्दीले गाने बहुत पसंद है। और राजेश रोशन सर जी के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छे संगीतकार, बहुत ही अच्छे, और अलग है, सबसे अलग है। उनका म्यूजिक एकदम अलग ही है, कमाल है। मतलब ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि एक आदमी मुझे मिला था। हाँ। उसने कहा था कि जब मैंने ये गाना सुना था, एक अंधेरा लाख सितारे, इस गाने ने उसको मतलब वो उनकी लाइफ चेंज हो, उसकी लाइफ चेंज हुई सर, सुन के। इसलिए मैंने आपसे उसमें क्रेडिट पहले तो जाता है इंदिवर जी को, उन्होंने गाना ही ऐसा लिखा, एक अंधेरा लाख सितारे। उसके बाद उसी शब्दों के हिसाब से राजू भाई ने, राजेश रोशन जी ने बहुत ही अच्छा कंपोज किया, और बहुत ठहरा और बहुत पैथोस था उसमें, बहुत अच्छी बातें थी, मोटिवेशनल सॉन्ग था। और इत्तेफाक से मैंने भी ठीक ठाक गा लिया। आज के म्यूजिक के बारे में सर आपका क्या गाना है? क्या वैसे गाने आज भी बनते हैं? कभी कभी बनते हैं। आज के दौर का कोई पसंदीदा गाना आपका जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे दौर की याद दिलाता है? नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा। आज के दौर के म्यूजिक डायरेक्टर्स में से कोई आपका पसंदीदा? मुझे जो पसंद था वो तो घर बैठ गए, इस्माइल दरबार। अच्छा। वो मुझे बहुत पसंद थे,
उन्होंने जो भी 6-7 फिल्में की बहुत अच्छी की, पता नहीं क्यों घर पे बैठ गए। अच्छे लोग नहीं चलते आजकल, मोहम्मद अजीज भी ऐसे ही है। सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत से अच्छे कलाकार हैं जैसा आप कह रहे हैं कि वो उनको काम नहीं मिलता, तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, मतलब ऐसी क्या वजह है, कैसा क्यों होता है कि जब कोई नहीं अच्छा गाता है उसको काम मिलते हैं, मिलने लगता है, और जो अच्छा गाता है तो वो उनको इसलिए नहीं मिलता कि वो अच्छा गाते हैं। आजकल अच्छी चीज का जमाना नहीं है, बस जो दिखता है वही बिकता है। मोहम्मद अजीज इतना दिखता ही नहीं है क्योंकि मोहम्मद अजीज किसी के ऑफिस जाता नहीं, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता। ये बॉलीवुड अड्डा को भी मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे प्रमोट करो, है ना? नहीं सर, हमारा तो वादा है कि हम हमेशा अच्छे म्यूजिक जो बनाते हैं, लीजेंड लोग हैं उनको जरूर हम उनके पास जाएंगे, हम म्यूजिक की इज्जत करते हैं। अच्छी बात है, वेरी गुड। सर ने बहुत सारे गाने किए, मतलब रीजनल मजे करते हैं लेकिन उसमें भी सर वही भाव प्रेजेंट करते हैं, ये सबसे बढ़िया चीज है। नहीं गाना मैंने कहा ना कि हर गाना, मैं जो भी गाना गाता हूँ मेरे लिए वो गाना मेरा। हाँ, ये राजेश घायल सर के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा लड़का है, बहुत टैलेंटेड है, और मैंने इसके बहुत सारे भोजपुरी गाने गाए हैं, हिंदी भी गाए हैं सर। अच्छा, हिंदी भी गाए हैं, मुझे याद है। ईमान सलामत रहे, सबसे टाइटल सॉन्ग आपको याद होगा सर, आपने किया था। नहीं क्या, हर 2-3 साल में एक बार बुलाता है मुझे। कारण क्या है सर कि लोग याद करने, मैं तो हर वक्त याद करना चाहता हूँ सर। अच्छा, लोग आपसे एक सवाल आप पूछिए कम से कम। क्या बोलूं सर, आपके अंदर दर्द होना चाहिए, आपके अंदर गहराई होनी चाहिए, संगीत से लगाव होना चाहिए, शेर व शायरी समझना चाहिए, गाने के शब्द क्या कह रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को उसमें ढाल देना चाहिए। यानी शब्दों के साथ संगीत का बहुत बड़ा 100%, यानी अच्छी धुनें होगी तभी अच्छी। बिल्कुल, शब्द अच्छे होने चाहिए, उसके हिसाब से धुन अच्छी। जी सर, खाली कमरा वो आपको दिया गया, भैया आप इसको डेकोरेट करो। तो वैसे ही है, जो संगीतकार गाना सिखाते हैं तो वो सब कुछ थोड़ी सिखा देते हैं, एक वो ढांचा है, ढांचा बताते हैं, उसको सजाना सिंगर का काम है।